ये बात तो आप जानते ही होंगे कि मोदी सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ सालों में बहुत से नए नियम बनाए हैं, और ऐसे ही नियमों में एक नया नियम 1 जनवरी 2019 से लागू होने वाला है। ये नियम सभी गाड़ी चलाने वाले लोगों को पता होना ही चाहिए। और हम आपको इस नियम के बारे में बताएं, उसके पहले प्लीज आप हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करें। बात करें इस नियम की, तो ये उन सभी लोगों के खिलाफ है जो गाड़ी चलाते हुए अपने कानों में ईयरफोन लगाकर गाड़ी चलाते हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि सिर्फ दिल्ली में ही हर साल सड़क दुर्घटना के चलते 15 से 20 हजार लोगों की मौत हो जाती है, और उनमें से ज्यादातर एक्सीडेंट्स सिर्फ ईयरफोन की वजह से होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो लोग भी वाहन चलाते हुए हेडफोन का इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों का चालान तो काटा ही जाएगा, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो इंसान कभी दूसरे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। हम यही मानते हैं कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कड़ा कदम जरूरी था, और हम आपको यही सलाह देंगे कि आप कभी भी गाड़ी चलाते हुए किसी भी तरह फोन का इस्तेमाल ना करिए। इस बारे में आप अपनी राय हमें बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।